हे देयर गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका फ्रेंड फैंसी पोकेस्टा। आज का हमारा गेम प्ले होने वाला है एस्पियन पोकेमोन के ऊपर। और पहले बता दूं, ये बफ के पहले का, मतलब पोकेमोन डे के दिन नया अपडेट आने वाला है, जब आपको पता ही है। उसके साथ इसको एक बहुत तगड़ा बफ मिलने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर न्यू बैटल पास भी है। तो भाई ये बफ के पहले का, इसमें देख लेना कि इसका डैमेज कितना हाई है भाई। मतलब अभी बफ के पहले ही इतना हाई डैमेज है, तो बफ के बाद कितना होगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा। और इसके जो बिल्ड की बात करूँ, एकदम सिंपल सा बिल्ड है मेरा। मैंने लगाया है चॉइस पैक्स, फाइस ग्लासेस एंड फोकस बैंड। आप चाहो तो फोकस बैंड को हटा के शेल बेल भी लगा सकते हो, अगर आपको डिफेंसिव नहीं जाना तो। बट मैंने सोचा मैं थोड़ा डिफेंसिव भी जाऊँगा, क्योंकि भाई मेरे को मरने की कोई इच्छा नहीं होती। और भाई यहाँ पे मैं ख़त्म होता हूँ, इससे अच्छा थोड़ा पीछे ही चलते हैं। और लिसी है हमारे साथ, तो ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है, और अच्छे से अपना फार्म भी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी ब्लिसी ऐसे भी संभा, ओके वो भी फार्म कर रही है। और मैं इवॉल्व हो चुका हूँ, तो भाई अब मेरे पास काफ़ी अच्छा ये आ चुका है, क्या कहते हैं, सिक्योर। मतलब इसका जो सिक्योर है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, मतलब बाकी सब सिक्योर से। तो ये काइंड ऑफ काफ़ी बेस्ट पोकेमॉन है। आई लिटरली लव दिस इवोल्यूशन। और दूसरी बात कि ये साइकशॉक अगर पाँचों लग जाए तो स्लो भी करते हैं, प्लस टर्न भी देते हैं, और अगर मिस हो जाए तो स्लो तो देते ही है। तो बाय चांस अगर आपकी जान खतरे में तो ये ईजिली बचा सकता है। बट हाँ, ये पोकेमोन ऐसा है कि पकड़ में आ जाए तो मर तो जाता ही है। भाई ये देखो, मेरे एक साइड शॉक ने कितना डैमेज दिया है इसको, मतलब काइंड ऑफ काफ़ी हाई डैमेज है इसका। और इसके साथ मैं खेलने वाला हूँ फ्यूचर साइड, क्योंकि भाई अगर बाय चांस मेरे से कोई बच के भागने की भी कोशिश करे तो वो बच नहीं पाएगा। और फ्यूचर साइड की वजह से साइड शॉक को वापस से अटैक भी मिलता है, मतलब बाय चांस अगर वो फ्यूचर साइड के अंदर ख़त्म हो गया तो भाई तुम्हें एक एक्स्ट्रा साइड शॉक मिल जाएगा, जो काइंड ऑफ काफ़ी अमेजिंग है, और ये बैटल्स में काफ़ी काम आता है। ओके मतलब कह सकते हैं कि कूलडाउन रिड्यूस हो सकता है, या फिर डुओ हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है तुम्हारा अटैक, दोनों कह सकते हो। यहाँ पे मैं 8 वाली 20 पे आ गया, क्योंकि भाई हमारे ग्रेनिंजा को थोड़ी तो ज़रूरत है ही भाई 8 वाली 20 की। ये सारे 20 हम ग्रेनिंजा के लिए छोड़ देते हैं, और जल्दी से चलते हैं हम नीचे वापस से। और मैं लेता हूँ फ्यूचर साइड। ओके यहाँ पे नीचे पुश आने वाला है जल्दी, पता नहीं इन दोनों को क्या लगता है भाई, ये ईजिली पुश कर देंगे। जब तक मैं आऊँ इतना ईजिली पुश तो नहीं होगा, बट भाई ये स्नोलेक्स का ये रेस्ट बहुत ही वाहियात है। और चलो मेरा फ्यूचर साइड मेरी बहुत हेल्प कर रहा है भाई। ओके ये ख़त्म हो सकता है यार, प्लीज़ 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 रेंज में आ जा। अरे यार मेरा साइड शॉक वेस्ट हो गया, वरना उसको मैं इजीली ख़त्म कर सकता था। और हाँ, एस्पियन की अल्टी भी 8 लेवल पे आ जाती है, मतलब इसकी अल्टी भी काफ़ी जल्दी आती है, तो बाय चांस तुम्हारी हेल्प तो हो ही जाएगी। ओके मैं आई थिंक ले लूँगा। ओके मैंने ले लिया भाई, उसने अच्छी खासी कोशिश की थी मेरे से लेने की, बट वो नहीं ले पाई। ओके यहाँ पे भाई ये बहुत परेशान तो कर रही है, एक बार हाथ में आ जाए बस ख़त्म कर दूंगा मैं उसे, ये बस हाथ में ही नहीं आ रही। जैसे एस्पियन है वैसे ही गार्डियोर है, गार्डियोर गेम प्ले भी आने ही वाला है जल्दी, क्योंकि मैं काइंड ऑफ गार्डियोर बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, तो भाई गार्डियोर का एक गेम प्ले तो आना चाहिए, पब्लिक मांगती है गार्डियोर गेम प्ले। क्या बोलती पब्लिक, गार्डियोर गेम प्ले लाओ क्या? इस काइंड ऑफ ये क्रिंच को थोड़ा दूर करते हैं, और चलो अब गेम प्ले पे फोकस करते हैं। भाई आई थिंक हमारे थोड़ा ओवर पुश कर लिया हमारी टीम ने, और ख़त्म भी हो गई भाई। ये तो आराम से, ये देखो मेरा एक साइज शॉक ने, और ये देखो मेरे को कूल डाउन भी मिल गया, और मैं यहाँ पे अल्टी चला ही देता हूँ भाई। ओके भाई डुरालू डाउन भी इजीली ख़त्म, और भाई काइंड ऑफ काफ़ी देख रहे हो कि मेरा डैमेज कितना हाई है। मतलब राल्स को मतलब कर लिया का डैमेज देखा था कि कितने HP पे छोड़ा था मैंने उसको, और प्लीज़ मेरा गोल होना चाहिए यार। और फोकस बैंड मेरा अभी काम आया, मेरे में तो ब्लिसी है, बट बाय चांस सबके अंदर ब्लिसी ना हो तो फिर भी भाई फोकस बैंड काफ़ी यूज़फुल है। तो ये तीनों के तीनों इवोल्यूशन पे मैं फोकस बैंड लगाता हूँ, तो लगाओ भाई आप भी, फोकस बैंड काइंड ऑफ काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो नया इवोल्यूशन भी आने वाला है अम्ब्रियन जल्दी ही, बट वो तो डिफेंडर है, तो उसके ऊपर तो भाई अब देखते हैं क्या क्या हमें यूज़ करना है भाई, क्योंकि मुझे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अम्ब्रियन के लिए भी। काइंड ऑफ मेरा सेकेंड फेवरेट पोकेमॉन है अम्ब्रियन इवोल्यूशन में। भाई हमारा पुश तो अच्छा खासा चल रहा है, बट उन लोगों के पास अल्टी है, हमारे पास अल्टी बिल्कुल नहीं है। और हमारा ग्रेनिंजा को पहले ही पता चल गया था, इसलिए वो तो अच्छा खासा भग गया है। अब मुझे भी भग लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी लेवल है जो मैं उनको बिल्कुल नहीं देना चाहता, तो थोड़ा फार्म ही कर लेते हैं। बट भाई ग्रेनिंजा ने बड़ा सही दिमाग चलाया, वो नीचे भाग गया, अलग ही है भाई हमारा ग्रेनिंजा। उसने पहले भाई फ्यूचर का सोच लिया था, जबकि मेरे पास फ्यूचर साइड था। ओके और जल्दी से इन दोनों के ये बैरीज, मतलब इन लोगों के ये बैरीज भी खा लेते हो, तो बाय चांस इधर फाइट हो तो भाई उनको कोई एडवांटेज ना मिले। और यहाँ पे लिटरली मैं ये सोचा था कि काश मेरे पास स्टैक होता तो मेरे अच्छे खासे स्टैक हो जाते भाई। नहीं शिट भाई यार, ध्यान ही नहीं दिया बातों के चक्कर में कि यहाँ पे इन लोगों का ये गोल हो रहा है। भाई हम दोनों की अल्टी ख़त्म,
अरे यार मेरे को बचा निंजा, मैं खत्म हो जाऊंगा। भाई निंजा इग्नोर मत मार, अभी तो जरूरत है तेरी। भाई लिटरली माचम कितना नूबड़ा है भाई, मेरे को बचाने क्यों नहीं आया ये? क्यों भाई नूबड़ा माचम कहीं का भाई? अब सारे किल ले गए, सब किल ले गए यार, चीटिंग करते हैं सारे लोग। मैं अपनी अल्टी चार्ज कर रहा हूँ कब से, मतलब कब से फार्म ही कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को थोड़े फार्म की ज़रूरत भी है। और हाँ, फ्यूचर सेट की एक और चीज़ बताना भूल गया कि मतलब जैसे जैसे अटैक मारोगे ये देखो वैसे वैसे ये कम भी होता रहेगा, तो ये काइंड ऑफ काफ़ी अमेजिंग है। और इसके ऊपर ऐसे भी मैंने कूलडाउन एम्बलम्स लगाया है। हाँ उसका कुछ ज़्यादा कोई असर तो नहीं पड़ता, बट फिर भी भाई कूलडाउन एम्बलम्स मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं भाई नॉर्मल एम्बलम्स से। मैं कूलडाउन एम्बलम्स ही यूज़ करता हूँ नॉर्मली। तो भाई नहीं 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 नहीं, यहाँ पर अलग फाइट चल रही है। आई नीड अल्टी भाई, मेरी अल्टी वेस्ट हो गई। आई थिंक सो मेरी अल्टी वेस्ट हो गई, क्योंकि मेरी अल्टी मेन तो ये दोनों क्या कहते हैं टैंक पे चली है, तो ये मरे ही नहीं भाई, हमारे निंजा ने मार दिया। चलो अच्छी बात है। एंड मैं सामने वालों की सिविल लाइन स्टील कर दिया भाई, तो हमें तो चांस मिला ही नहीं यार। छोड़ो कोई ना, हम यहाँ पे फार्म करते इतनी देर, स्लो ब्रो है ही रोकने के लिए। आई नो मैं स्लो ब्रो को क्यों छोड़ रहा हूँ डिफेंड पे, सब मुझे बोलने वाले, बट फिर भी भाई स्लो ब्रो है तो फिर टेंशन की क्या बात है। और ये क्या भाई, वाह स्लो ब्रो से दूर ही रहो भाई, वो उसके अटैक की वजह से मेरे को डैमेज दे रहा है। ओके भाई ये तो, चलो दो बंदे तो ख़त्म ऑलमोस्ट। और भाई इस पहले इस मोटे को ख़त्म करो यार, इस मोटे की वजह से मेरा गेम बिगड़ा है साला भैंसा कहीं का। निकल। ओके ये भी फिनिश हो चुका है, तो अब जल्दी से चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे आ चुका है रेजी स्टील या रॉक या जो भी आया, रेजी आइस ये तीनों में से जो भी आया, नीचे का ऑब्जेक्टिव आ चुका है मतलब। बट भाई हम पहले तो फार्म करेंगे। और भाई उन लोगों ने ले लिया, उन लोगों ने रेजी रॉक ले भी लिया, मतलब काइंड ऑफ उनके पास डिफेंस का एडवांटेज है, बट हमारे अटैक्स इतने पावरफुल है कि उनका डिफेंस किसी काम नहीं आएगा। ओके अभी एंड की फाइट में मुझे रेजी आइस बहुत पसंद है, क्योंकि भाई अपने आप हील होते रहते हम। तो भाई ओ नो 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 नो, मैं बहुत गंदा फंसाऊँ, मैं बहुत गंदा फंसाऊँ भाई, सीधा मर ही गया लिटरली। इन लोगों ने बहुत गंदे तरीके से मारा मेरे को। वी आर रियली स्ट्रगलिंग गाइज, मतलब मैं रिकवर होके आ चुका हूँ भाई। मैं ऊपर देखता हूँ कि हाँ हम स्ट्रगलिंग पे, सही है। तो अब क्या ही करें, हम मेल्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं। और ये मोटा यहाँ पे आ रहा है, मतलब पूरी गेम में हम लोगों ने इनको पीटा है भाई, इन लोगों ने कुछ नहीं किया भाई, बस मार खाई है। बट फिर भी भाई स्ट्रगलिंग पे हमें, क्योंकि किल से नहीं है, हम पॉइंट से जीतते। ऊपर से पीछे से क्लिफेबल अलग आ रही है भाई, मतलब ये टीम फाइट के लिए हमारी ये इसकी एस्पियन की अल्टी बहुत पावरफुल है। और ये क्या अल्टी थी भाई, सेबल है तेरी, किसी को भी छोड़ दो, सेबल आई को मत छोड़ो, क्योंकि भाई रेजी लगी भी इसने स्टील किया था, मतलब मुझे भरोसा है कि ये स्टील कर सकता है। ओके हमारी ब्लिसी हील कर रही है हमको, बहुत अच्छी बात है। और मेरा हैंड में सिक्योर आ गया साइक शॉक से, मतलब बाय चांस आप स्टील भी कर सकते हो, सिक्योर की बात नहीं है, इससे स्टील करना भी बहुत ईजी है। और भाई यहाँ पे पता नहीं मैं क्यों आया हूँ, यहाँ पे फोकट की फ़ाइट नहीं लेनी मेरे को, अब ले ही लेते भाई इतनी फ़ाइट ली है तो। भाई मेरी शील्ड ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो गई इनफैक्ट। भाई इन लोगों को कोई नर्फ दो यार, इस क्लिफेरी को, साली भैंसी जब भी आती है मार के चली जाती है भाई, मुझे इस क्लिफेरी से बचाओ कोई, भाई बचाओ, मैं मर गया खत्म। भाई क्या कमीने लोगे, और ये तो परंपरा है मेरे चैनल की, मैं तो मरता ही हूँ हमेशा। वाह भाई मैं मर गया वापस से। ओके अब हम जीत तो चुके हैं, क्योंकि गोल तो पड़े नहीं थे सामने वालों के, तो देखते हैं हम कितने स्कोर से जीते। ओके 546 काइंड ऑफ काफ़ी अमेजिंग है, और सागर MVP है ऑफकोर्स भाई, वो तो होना ही था। और देखते कि हमारा डैमेज कितना है, सागर का 1K ऊपर, मतलब 100K के ऊपर चला गया, मेरे भी 83 सेकेंड आई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।